गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल। वंस अगेन आई गॉट अ वीडियो फॉर क्लास 8, पॉलिटिक्स चैप्टर 1। इन माई प्रीवियस वीडियो आई टेल यू वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड हु पार्टिसिपेट इन इट एंड हु इज द फादर ऑफ दैट। बट नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसके मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं जो उनमें आती हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। पहला क्या है, फेडरलिज्म, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, तो यहाँ पर एक तरह की गवर्नमेंट नहीं चल पाती, मतलब एक जो गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो यहाँ पर नहीं चल पाती। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट कितनी फॉर्म होती है, तीन फॉर्म है। यूनियन लेवल, जो क्या होती है, हमारे सेंटर में काम करती है, जिसके हेड क्या होते हैं, PM होते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, स्टेट लेवल, जो हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, उसमें CM होते हैं, हर स्टेट के अपना CM है, जैसे हमारे स्टेट के CM है, वैसे और जितने स्टेट्स हैं उनके अपने CM है। और थर्ड हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट, जो एक गांव की, हर गांव के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। ज़्यादा बड़ी कंट्री है इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला क्या, यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल, सेकेंड आपका स्टेट लेवल, थर्ड आपका लोकल गवर्नमेंट, से हम लोग पंचायती राज बोलते हैं। सेकंड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो सबको अगर सेम पावर दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए हर एक फॉर्म का अलग पावर बांट दिया गया है। तीन पार्ट में सेपरेशन ऑफ पावर को बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है, लेजिस्लेचर, जहाँ पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा आती हैं, जो प्रेसिडेंट के थ्रू होल्ड होती हैं। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर इट इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ, क्या करती है, जो रूल बनाती हैं, तो इसका काम क्या है, रूल को बनाना, लेजिस्लेचर। सेकंड आपका फीचर क्या है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार करना। मान लीजिए जो रूल बनाएगा आपका लेजिस्लेचर, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम क्या है, वो आपका एग्जीक्यूटिव का है। जो आपके जो रूल बनेंगे उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पर क्या सही करना है, ऐसा रूल बने जो पब्लिक इजिली एक्सेप्ट करे, उसमें अपोज ना हो, वो काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड वन इज फाइनल डिसीजन, से हम बोलते हैं जुडिशियरी, इट मीन्स न्यायपालिका, जो क्या करती है, उस रूल्स को जितनी जो फॉर्म हुए बनाए गए वो पब्लिकली अनाउंस करती है, वो पब्लिक में चला जाता है। तो ये सारे चीज़ें, इन दोनों में जो प्रॉब्लम होती है वो इसको क्लियर करती है, लिखा ना, सेटल डिस्प्यूट्स, जो इन दोनों मतभेद होगा लोकसभा राज्यसभा में और एग्जीक्यूटिव जिसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जो उन दोनों का आपस में प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके वो रूल को पब्लिकली अनाउंस कर देगी। ये आपके फीचर्स हैं। फोर क्या है, थर्ड फीचर आपका क्या है, की फीचर क्या है उसका, फंडामेंटल राइट्स। हम लोग काफ़ी सालों से इंडिया में रहते आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में क्या थे, हम लोग गुलाम थे, ठीक। तो हम लोगों ने देखा है कि जो प्रीवियस मतलब जो रूल गया है, ठीक, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है, वो चाहे किसी चीज़ में इक्वलिटी हो, ठीक, सही रूल को कोई धर्म फॉलो ना करना हो, तो वो सारे जो रूल जो राइट्स थे, हमारे अधिकार थे, जो उस टाइम पे हमको नहीं मिले, वो इस फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड किया गया है। किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखते हुए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो चीज़ें उनको पहले नहीं मिली थी। एंड फोर इज सेक्युलरिज्म। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग मानने वाले लोग रहते हैं, तो इसीलिए उनको बराबर का अधिकार दिया गया है कि आप इस कंट्री में हैं तो आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आराम से पीसफुली एक साथ रहें। द नेक्स्ट वन इज आपका फंडामेंटल राइट, इसके बारे में मैंने भी बात की। तो छह ऐसे राइट्स हैं जो हमको हमारा संविधान प्रोवाइड करता है, जो हमसे कोई और नहीं ले सकता, मतलब जो रूल राइट्स हमको मिले हैं उस पर हमारा पूरा अधिकार है। इफ़ कोई अगर आपसे वो चीज़ें रूल या राइट छीनता है, तो देन यू हैव राइट टू अपोज देम, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ आपके जो अदालत है उसमें केस फाइल कर सकते हैं कि आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा। पहला पॉइंट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, सबसे ईजी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको बराबर का मौका मिलना, वो चाहे किसी भी स्टेप पे हो, किसी भी स्टेज में हो, वो चाहे फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, चाहे फील्ड ऑफ गेम हो, ठीक, फील्ड ऑफ किसी भी जॉब हो, तो वहाँ पर क्या है, आपको इक्वलिटी है, बराबर का अधिकार है, जो जिस फॉर्म के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं उसी फॉर्म के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि उस फॉर्म के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, आपको बराबर का अधिकार मिलना। सेकंड क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र है इंडिया, क्या है फ्रीडम कंट्री है, ठीक, काफ़ी स्ट्रगल के बाद वी गेट फ्रीडम, तो हम लोग फ्री हैं, हम लोग किसी भी जगह जा सकते हैं इंडिया के अंदर, जहाँ जाना हो जाइए, जहाँ घूमना हो घूमिए, जिस जगह रहना हो आप वहाँ रह सकते हैं, यू हैव टू पे मनी फॉर दैट, लेकिन आप फ्री हैं, आपको कहीं पर भी आप जा सकते हैं, ये सेकंड राइट हमारा। थर्ड क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मान लीजिए जो आपको अधिकार मिला है, जो राइट्स मिले हैं आपके, वो आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है उसके लिए, ठीक, आपको धमकी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी अपोज कर सकते हो, ये आपका अधिकार है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है देन यू कैन गो अगेंस्ट हिम। द फोर वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप फ्री हैं, आपको अधिकार है, आप जो धर्म चाहे वो धर्म अपना सकते हैं, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है, कोई आपको आकर रोक नहीं सकता, ये आपका अधिकार है, आपको जो धर्म अच्छा लगे, जिस धर्म को आपको फॉलो करना हो, आपको लगता है कि वो धर्म आपके लिए अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर दैट। द फाइव इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप किसी भी सभ्यता को, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, मतलब जो ट्रेडिशन आप चाहेंगे वो आप पहन सकते हैं, किसी भी धर्म की हो, ठीक, अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो आप अपने अंदर उसको ला सकते हैं, आप उस जो ट्रेडिशन दी है धर्म की आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और आपका अधिकार है एजुकेशन में, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बाकी जो वहाँ की फॉर्मेलिटी होगी, टर्म एंड कंडीशन होगी, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ये कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप इस जो कॉलेज बना है या जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके अंदर स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही एडमिशन लेंगे, ऐसा कहीं नहीं है, ये हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि जिस भी धर्म के हों आप, किसी भी कास्ट के हों आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। द लास्ट वन है यहाँ पर लिखाने गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल है उसका है आपका 32, ठीक, वो इन पांचों राइट्स का अकेले पावर लेता है, जो सिक्स आपका राइट्स है वो इन पांचों जो राइट्स दिए आपको वो सेफ गार्ड है, इनको वो सेफ करता है, बचाता है, इन पांचों राइट्स जो आपको दिए गए हैं इनमें से आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो सिक्स राइट्स है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके थ्रू आप किसी भी राइट्स का अपोज होने पर, प्रॉब्लम होने पर आप अदालत में जा सकते हैं। ये चैप्टर आपका आज एंड हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट्स, आई विल give your answer of all this question. Stay at home, be safe and be very healthy. Thank you very much.